नमस्कार, खबरगणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भैंसों से भरी मेटाडोर व कार में जोरदार पिंडत, दो की मौत, एक घायल। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बस स्टैंड पर पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के दिए निर्देश। शादी में डीजे पर डांस को लेकर झगड़े में युवक की हुई मौत। सीता नवमी पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। खेलते खेलते कार में पहुंच गई 3 वर्ष की मासूम, दम घुटने से हुई मौत। परिजन इटावा अस्पताल लाए जहां चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हिंडोली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 148 डी पर अलग सुबह भैंसों से भरी मेटाडोर व कार में जोरदार भिंडत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की भीड़ ने कार में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से घायलों व मृतकों को हिंडोली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल को बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर हिंडोली पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीएसपी धनश्याम मीणा ने मौके से जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार कार में 5 लोग सवार थे, जो राजकोट से हरिद्वार जा रहे थे। तभी सामने से आ रही मेटाडोर का संतुलन बिगड़ गया और जोरदार भिंडत हो गई। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। हिंडोली से संवाददाता जितेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तहसील किशनगंज क्षेत्र के गांव सोभागपुरा, रेलवान, मायता रामगढ़ आदि गांव में पहुंचकर रक्त वाहन से 28 यूनिट रक्त शहीद राजमल ब्लड बैंक पारा ने संग्रहण किया। शिविर में अधिकांश युवा लड़कों ने पहली बार रक्तदान किया। मुकेश प्रजापति ने बताया है कि जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान कर दे उपहार। रेलवान निवासी समाजसेवी रक्तदान लालवीर मीणा व मुकेश प्रजापति ने बताया है कि इन दिनों में शहीद राजमल ब्लड बैंक पारा में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। गर्मी का दौर चल रहा है। रेलवान रामगढ़, मायथा, करवरी कला, बरूनी, लोलक्या व आसपास के क्षेत्र में दर्जनों गांवों रक्तदान के प्रति काफी जागरूकता आई है। रक्तदान करने में युवा दूर दराज क्षेत्र से पहुंचकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए 28 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर भीषण गर्मी में एक मिसाल कायम की। रक्तदान करने वाले मोहन प्रजापति, कान्हा गुज्जर, मानसिंह गुज्जर, सौरभ राठौर, मोनू चौरासिया, रघुवीर वर्मा, बबलू गुज्जर, धर्मेंद्र बसवाला, रामविलास गुज्जर, नंद बिहारी गुज्जर, पप्पू गुज्जर, उमेश गुज्जर आदि युवा साथियों ने रक्तदान किया। रक्तदान किया शहीद राजमल ब्लड बैंक बारा के डॉक्टर रिपुदमन, लेब लैब टेक्नीशियन आशीष पटवा, वार्ड बाई अजय वाहन चालक राधेश्याम, सुमन रक्त संग्रहण किया। टीम से डॉक्टर सुधीर मिश्रा, जितेंद्र मीणा, अक्षय अजय, वार्ड बाई वाहन चालक राधेश्याम, सुमन आदि ने रक्त संग्रहण किया। लालवीर मीणा ने बताया है कि आगामी रक्तदान शिविर ग्राम रेलावन में आयोजित होगा। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अग्रवाल ने बताया कि रोडवेज बसों में लगाए जा रहे पैनिक बटन एक अच्छी पहल है। इसका उपयोग कर महिलाएं भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रबंधन को अवगत कराने में सक्षम होंगे। इससे रोडवेज बसों में महिलाओं का सफर और भी अधिक सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहयोग से चलाई जा रही है। उन्होंने गर्मी के मद्देनजर बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री अग्रवाल बुधवार को रोडवेज मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि रोडवेज आमजन से जुड़ा उपक्रम है, अतः सभी मुख्य प्रबंधक यात्रियों को बस स्टैंड पर निरंतर सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में काम करें। उन्होंने डीजल अवसाद के परिणामों की समीक्षा करते हुए कहा कि वीटीएस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के उपयोग से डीजल अवसाद के परिणामों में सुधार के साथ निगम की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम बताया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए पहाड़ी एवं पर्यटन स्थलों पर शेड्यूल बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में रोडवेज की कार्यकारी निदेशक प्रशासन अनिता मीणा, कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान, कार्यकारी निदेशक यांत्रिक रवि सोनी, निगम के वित्तीय सलाहकार राम गोपाल पारिक सहित निगम अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से संवाददाता अक्रम खान की रिपोर्ट। कोटा से
केशोराय पाटन शादी में गए युवक झगड़े में मौत होने की घटना सामने आई है। दोस्त की निकासी में डांस को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। झगड़े के बाद दूसरे पक्ष ने युवक को धोखे से घोड़ी के पीछे बुलाया था और चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक का एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना बूंदी जिले के केशवराय पाटन की है। डीएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि हादसे में अमन सिंह निवासी कोठरी छावनी की मौत हो गई। घायल अरविंद निवासी संजय नगर छत्रपुरा कोटा का एमबीएस में इलाज जारी है। हमलावर युवक सीता बालिता के रहने वाले हैं। दोनों की तलाश जारी है। डीएसपी ने बताया कि सीता गांव के रहने वाले सचिन की शादी थी, 15 मई को उसकी निकासी थी। निकासी में सचिन के 10-12 दोस्त कोटा से आए थे। अमन भी निकासी में शामिल था। रात 12 से 1 बजे के बीच डीजे पर डांस करने को लेकर दोस्तों में आपस में झगड़ा हो गया। दो युवकों ने अमन व अरविंद पर चाकू से हमला कर दिया। अमन के पेट में चाकू लगा। दोनों घायलों को दोस्त इलाज के लिए कोटा लाए। इलाज के दौरान बताया जा रहा है आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। बाद में हमलावर युवकों ने अमन को धोखे से घोड़ी के पीछे बुलाया था और चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में अरविंद वहां आया तो हमलावरों ने उस पर भी चाकू से वार किया। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। इटावा अंचल सुशांत सिटी भिलवाड़ा के एक ब्लॉक के अंजनी नंदन पवन पुत्र पंचमुखी बालाजी महाराज के व ब्राह्मणी माता मंदिर डी ब्लॉक परिसर में सीतारोमी कार्यक्रम दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रांत छात्र प्रमुख सीमा पारिक ने बताया माता सीता को भूमि पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म धरती से ही हुआ था। आखिर में वह धरती में ही समा गई। वैशाख शुक्ल नवमी को सीता जी धरती से जन्मी थी। राजा जनक ने अपनी बेटी के रूप में पालन पोषण किया। हमें सीता माता के चरित्र से भी शिक्षा लेनी चाहिए। सीता माता ने किस तरह हंसते हंसते कोई भी संकट आया तो उसे सहन किया। इस तरह हमें अपने जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए उसे हंसकर सहन करना चाहिए। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। जयादित्य सिंह व सीमा तिवाड़ी ने सीता माता की शिक्षा प्रद भजन गाए जिसमें बहनों ने खूब नृत्य किया। कार्यक्रम में किशोर सिंह शक्तावत, योगेश्वरी कंवर, मंजू कंवर, सुनीता मेघवंशी, सीमा कंवर, रिंकी बुलबुल कंवर, हर्षवर्धन सिंह, सुशीला जाट, ममता, दीक्षा गौड़ा, नव्या पारिक, ब्यूटी जनसा कंवर, आस्था पारिक, माही वैरागी, प्राची सोमानी, लवेश, अर्पित, मानवी, जानवी, तनिषा, बननी, प्रिंस, अंशु, लक्की, सूरज, रुद्र, हेमराज, आयुष, मनीषा, अनिशा, कुंज, लवि, निधि, विधि, हर्ष, नारायण, सीमा तिवाड़ी, हेमेंद्र कंवर, चित्रा कंवर, देवांश जागीर, मृत्युंजय सिंह, मेघा मोकावत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जय घोष के साथ समापन किया गया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। हिंडोली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 148 डी पर अलग सुबह भैंसों से भरी मेटाडोर व कार में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीन जने घायल हो गए। हादसे की सूचना ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में लोगों ने कार में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से घायलों व मृतकों को हिंडोली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दो गंभीर रूप से घायल सागर 32 पुत्र दिलीप भाई पटेल निवासी सुरवा, किशन 32 धीरूभाई जाति पटेल निवासी मोरपा थाना गिर सोमनाथ को हिंडोली सीएचसी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एक घायल चिराग 31 दिलीप भाई पटेल निवासी सुरवा का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर हिंडोली पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीएसपी धनश्याम मीणा ने मौके से जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार कार में 5 लोग सवार थे। सभी लोग चारधाम की यात्रा करके हरिद्वार से गांव जा रहे थे। इसी दौरान मॉडर्न स्कूल के पास सचिन होटल चौराहे पर भैंसों से भरे मेटाडोर का संतुलन बिगड़ने से कार व
मेटाडोर में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में विपुल 33, दिलीप पटेल निवासी सिरवा, भावेश 27, पुत्र धीरू भाई पटेल निवासी तलाल थाना गिर सोमनाथ गुजरात की मौत हो गई। वहीं 3 जने घायल हो गए। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। वहीं मृतकों के शव को हिंडोली सीएससी अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दी है। हिंडोली से संवाददाता जितेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में प्यासों को पानी पिलाना पुण्य का काम है। भीषण गर्मी में किसी को पानी मिल जाए तो वह अमृत के समान होता है। गर्मियों के समय में आने वाले आमजन के लिए वाटर कूलर से शुद्ध एवं शीतल जल की उपलब्धता रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने विभाग के गांधीनगर स्थित कार्यालय में अधिकारियों और कार्मिकों के आर्थिक सहयोग से स्थापित किए गए वाटर कूलर के शुभारंभ के दौरान यह बात कही। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में राजकीय कार्यालय, विद्यालयों, अस्पतालों, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर के माध्यम से आम जन के लिए शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का आह्वान किया है। श्री पंत ने इस बारे में भी सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश प्रदान किए हैं। इसी क्रम में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर में गांधीनगर स्थित कार्यालय में आम जन के लिए वाटर कूलर स्थापित करने की यह पहल की गई है। शासन सचिव ने बताया कि वाटर कूलर कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया है। इस वाटर कूलर से आने जाने वाले आमजन को शुद्ध एवं ठंडा पेयजल प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि आमजन की प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धार्मिक संस्थाओं एवं भामाशाहों के सहयोग से सभी कार्यालय में प्याऊ अथवा वाटर कूलर लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी गर्मी के मौसम में प्याऊ एवं वाटर कूलर लगाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य अभियंता शहरी राकेश लुहारिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय अमिताभ शर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जयपुर से संवाददाता अक्रम खान की रिपोर्ट। इटावा खातौली थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में लग्न के कार्यक्रम में भाग लेने आए परिवार की खुशियां कम में बदल गई। 3 वर्ष की मासूम कब कार के अंदर चली गई और पता नहीं लगा और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद समारोह में गम हो गया। खातौली थाना के हेड कांस्टेबल कैतुदा चौकी प्रभारी भरत गुज्जर ने बताया कि कोटा निवासी प्रदीप नागर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जोरावरपुरा गांव में अपने फूफा ससुर के यहां लग्न के कार्यक्रम में 3 बजे करीब पहुंचे थे। उसके बाद सभी लोग कार से उतर गए और बच्चे खेलने लग गए। इस दौरान खेलते खेलते बालिका कब कार में चली गई और लॉक हो गई। जब 5 बजे करीब पिता ने मां से पूछा तो दोनों एक दूसरे के पास होने की बोलने लगे। फिर आसपास ढूंढा, इस दौरान कार में तलाश किया तो बालिका बेहोशी की हालत में मिली, जिसको इटावा लाया गया। वहां 3 वर्षीय गर्वी ने दम तोड़ दिया था, जिसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद खातौली पुलिस पहुंची और जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने कार्यवाही से मना कर दिया। इस घटना के बाद बालिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं घटना के बाद शादी की खुशी भी गम में बदल गई। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। गाड़ी में चले गए बच्चे, गाड़ी में जाते रोक लग गया अंदर से और मैं थे नहीं वहाँ पर। रोक लगते बार पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, खोल नहीं पाई। फिर मैं तो ऊपर से आ गया, थोड़ा कि मुझे का है लगन आया था। ये था कि आज ये फरियादी प्रदीप नागर अपने रिलेशन में ग्राम जोरावरपुरा में आया था लगन के प्रोग्राम में, जहाँ पर ये बच्ची खेलते खेलते ये पहुँचे होंगे। इसकी मदर अंदर चली गई और पिता बाहर होगा। ये खेलते खेलते वापस गाड़ी में अंदर चली गई, जिसमें गेट लगाने के कारण दम घुटने से इसकी मृत्यु हुई है। और जब 2 घंटे बाद इसके माँ ने तलाश किया कि बच्ची कहाँ है, वो सोच रही थी कि पिता के पास होगी, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, वो सोच रहा था माँ के पास होगी। इसी मामले को लेकर जब इन्होंने देखा तो गाड़ी मिली। उसके बाद ये परिजन इसके माता पिता यहाँ इटावा हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ और इसके परिजनों ने किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम नहीं करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है, फिर भी इसकी जाँच की जाएगी। नैनवा क्षेत्रीय वन अधिकारी के आदेशों की पालना करते हुए वनपाल नाका
जजावर मुकामा रुणिजा स्टाफ ने गैर वानिकी कार्य की रोकथाम अभियान के दौरान अवैध वन उपज परिवहन में संलिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जब्त कर चालक कालूलाल माली ओम प्रकाश माली निवासी बूंदी का गोठड़ा जिला बूंदी को गिरफ्तार किया। चालक से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि ग्राम रुणिजा में खेत मालिकों से पेड़ खरीदकर काटकर ग्राम गोठड़ा में ले जा रहा था। इन गीली लकड़ियों में नीम चुरेल देसी बबूल को परिवहन कर निर्गमन करने का मेरे पास किसी प्रकार का पारपत्र स्वीकृति नहीं है। नैनवा से संवाददाता सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा संभाग आईजी एस परिमल आज बुधवार को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रही। जानकारी के अनुसार संभाग आईजी एस परिमल आज प्रतापगढ़ जिले में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर शहर कोतवाल तेज करण चरण व यातायात कार्यवाहक प्रभारी सलीम खान द्वारा प्रोटोकॉल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर आईजीएस परिमला के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ लक्ष्मण दास डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के साथ आपराधिक गतिविधियों बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने व पुलिसिंग की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए जिले के आपराधिक गतिविधियों पर फीडबैक लिया। लंबे समय से पेंडिंग पड़ी क्राइम की फाइलों का निस्तारण करने के लिए आईजी ने जिला पुलिस अधीक्षक को कहा कि सभी थाना अधिकारी को निर्देश देकर समय पर पेंडिंग पड़ी फाइलों का निस्तारण करावे। अंदर सबमिट करने के लिए सब थानेदार को निर्देश दिया है, मतलब डिजिटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का वो हमारा उद्देश्य है। अभय कमांड के जो अभी अभय कमांड सब जगह काम कर रहा है, अभय कमांड के चलते जैसे कई क्षेत्रों में अभी केंद्र इंस्टॉलेशन नहीं हुए, इस क्षेत्र में आपके यहाँ से क्या विशेष सुविधा रहे? अभी हम उसका प्लान बना के प्रपोजल बना के भेजेंगे पीएचक्यू को। और जहाँ पे अभी रिजर्व कर रखा है वहाँ पे केंद्र अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, लंबा समय हुआ, उसका भी डिस्कस करके जल्दी जल्दी लगा देंगे। राष्ट्रीय संत कांशी बाल योगी महाराज ब्रह्मानंद के श्रीमुख से श्रीमद भगवत कथा गुरुवार से सनातन धर्म श्री राम मंदिर दादाबाड़ी कोटा पर प्रारंभ हुई। इससे पहले शिवबाड़ी से कलश यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सनातन धर्म मंदिर शास्त्री नगर दादाबाड़ी कथा स्थल पहुंचे। इस दौरान घोड़े बग्घे के साथ ही डीजे और बैंड मधुर स्वर लहरियां बिखेरते चल रहे थे। यजमान कमल किशोर माहेश्वरी सिर पर भागवत धारण कर चल रहे थे। उन्होंने भागवत पूजन कर कथा का शुभारंभ कराया। कथा के दौरान व्यासपीठ से बाल योगी महाराज ने कहा कि भगवंत स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवत के अंदर किसी देवी या देवता या हनुमान जी या भैरव बाबा की स्तुति नहीं की गई है, केवल सत्य की स्तुति की गई है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, भागवत पंचम वेद है। आचार्य श्री सुखदेव महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लौकिक बौद्धिक कर्मों से अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया। तभी आचार्य सुखदेव महाराज जंगल के लिए निकल गए। उन्होंने कहा कि माया बांधती है और भगवान माया से अलग कर देते हैं। कथा संयोजक गीता देवी मुंडा ने बताया कि कथा व्यास बाल योगी महाराज प्रतिदिन 2 से 6 बजे तक सनातन धर्म राम मंदिर दादाबाड़ी पर कथा करेंगे। इस दौरान काशी सेवा समिति से प्रवक्ता लीलाधर मेहता विमलेश मेहता समेत कई लोग मौजूद रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भैंसों से भरी मेटाडोर व कार में जोरदार पिंडत, दो की मौत एक घायल। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर बस स्टैंड पर पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के दिए निर्देश। शादी में डीजे पर डांस को लेकर झगड़े में युवक की हुई मौत। सीता नवमी पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। खेलते खेलते कार में पहुंच गई 3 वर्ष की मासूम, दम घुटने से हुई मौत। परिजन इटावा अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।